आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश में लोगों को ऑक्सीजन तक समय से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच जबलपुर जिले से खुशखबरी आई है। यहां पर एक कोरोना संक्रमित महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे को मां से अलग रखा गया है, लेकिन इस तस्वीर ने एक सकारात्मक माहौल जरूर बना दिया है। दरअसल जबलपुर निवासी मंगला पटेल की रविवार को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। डिलीवरी का समय पूरा होने की वजह से मंगला को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, जिसके बाद परिजन मंगला को अस्पताल लेकर भागे। हर जगह वार्ड फुल होने की वजह से दर दर भटकने के बाद जबलपुर के ही एक समाजसेवी आशीष व्यास की मदद से मंगला को मेडिकल कॉलेज में बेड मिल गया। मामला गंभीर होने की वजह से जरूरी जांच के बाद महिला डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद जब बच्चे की जांच कराई गई तो बच्चे में कोरोना के संक्रमण नहीं मिले, जिससे चिकित्सक भी हैरान हो गए, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के लिए यह एक जरूर चर्चा का विषय है कि आखिर मां के गर्भ में कोरोना संक्रमण कैसे नहीं पहुंचा। वहीं जब ऐसा विकराल वक्त चल रहा हो तब एक मां की ममता पूरी हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मंगला पटेल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कोरोना के वक्त में जिंदगी दांव पर लगाकर सेवा कर रहे चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया। उनका कहना है कि संक्रमित होते हुए उन्होंने निसंकोच होकर सब समस्याओं को हल कर दिया। वो उनके और उनके बच्चे के लिए एक नई जिंदगी के समान है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, बच्चे में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेट से बाहर आ सकती है। फिलहाल वो अपने घर पर ही होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रही है। नमस्ते, मैं मंगला पटेल। जबलपुर प्रशासन के सभी अधिकारियों और केयर फॉर यू जो टीम ग्रुप है उन सभी ग्रुप के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जो कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार को बहुत ही सहयोग दिया और सहयोग किया भी। एक्चुअली मेरा 9वां महीना कंप्लीट होने को आ गया था और मुझे कोविड जो या रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। इस वजह से कोई भी जो हॉस्पिटल वगैरह मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे अपने हॉस्पिटल पर, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट था वो कोविड वाला पॉजिटिव आ गया था। तो इसी वजह से फिर मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे। फिर आशीष व्यास जी भैया हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। मैंने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ये मेरा बेटा है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।